आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ताजनगरी के इतिहास में पहली बार 1000 आज श्री पार्श्वनाथ भगवान की जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। 30 दिसंबर को श्री जी की प्रथम रथयात्रा एवं महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया गया तो वहीं 31 दिसंबर को श्री पार्श्वनाथ विधान का आयोजन पश्चिमपुरी स्थित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किया गया। श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, देवस्तु, नित्यारोग्यमस्तु, सर्वेषां शांतिधाराकर्ता श्रीमान श्रेष्ठ श्री संजय कुमार श्री जैन जलेसर बारे समस्त परिवार से तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुटुंब धनदान्यं सदास्तु, श्री शत धर्म बल आयु ईश्वर अभिवृद्धिरस्तु, ओम हरि अरहं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूपो क्षुरदार्थं च भवतु। गुरुवार के साथ शुक्रवार का दिन भी सकल दिगंबर जैन समाज के भक्तों के लिए बेहद खास रहा। बता दें कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं उनके परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के मंगल प्रेरणा से ताजनगरी के इतिहास में पहली बार श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गयी। यहाँ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में कल से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। कल पार्श्वनाथ भगवान का, चंद्रपुर भगवान का जन्म और तप कल्याण था। पहली बार यहाँ से रथ यात्रा पार्श्वनाथ भगवान को लेकर सेक्टर 7 गई, वहाँ से आके यहाँ कलश हुए, अभिषेक हुए, शांति धारा वगैरह हुई, बहुत आनंद का उत्सव रहा। उसके बाद ध्वजारोहण हुआ, ध्वजारोहण के बाद रथ यात्रा का यहाँ से प्रस्थान हुई, लोगों ने बहुत आनंद लिया अंदर। उसके बाद दोपहर में महामस्तकाभिषेक हुआ। आज कल के प्रोग्राम के बाद आज सुबह से शांति धारा पूजन वगैरह हुई और अभी कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान चल रहा है, जो प्रणम सागर जी का लिखा हुआ है। पहली बार स्तोत्र हो रहा है, बहुत शानदार स्तोत्र लिखा गया, मंदिर में बहुत लोग आनंद ले रहे हैं और आज स्तोत्र का पाठ किया जा रहा है। यहाँ आज विधान का प्रोग्राम है, यहाँ स्वर्ण कलशों से आप पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक हुआ था उससे। जहां गुरुवार को श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान के जन्म जयंती के मौके पर पश्चिमपुरी स्थित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से बैंड बाजों के साथ भव्य रथ यात्रा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में निकाली गई, वहीं साथ ही रथ पर विराजमान श्री जी को मंदिर जी में विराजित किया गया, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी राकेश जैन के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक तो वहीं शुक्रवार को मंदिर जी में प्रातः काल की बेला में कार्यक्रमों की शुरुआत श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई, जिसके बाद प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी राकेश जैन के सानिध्य में श्री पार्श्वनाथ विधान का आयोजन किया गया। यहाँ जो मंदिर बना है, बहुत खुशी है पश्चिम मुरी के सभी लोगों में और जितने भी लोग हैं सब कल बहुत हर्षोल्लास के साथ जब पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ से रथ यात्रा निकाली गई थी। आगरा के अंदर ये एक बहुत बड़ा इतिहास है कि एक महीने से पहले मंदिर का निर्माण भी हो गया और मंदिर तैयार हो गया, तो बहुत उल्लास के साथ सेक्टर 7 सेक्टर 4 के लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ कर उत्साह दिया और भाग लिया। आज भगवान पार्श्वनाथ का जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में कल रथ यात्रा निकाली थी, हम लोगों ने प्रथम महोत्सव का अभिषेक किया, उसके बाद भगवान का श्याम का पल्ला लगाया गया। पल्ला के बाद छोटे छोटे बच्चों द्वारा नृत्य करके जन्म महोत्सव मनाया गया। उसी की संख्या में आज सुबह भगवान पार्श्वनाथ का शांति आरा अभिषेक, उसके पश्चात अपना पार्श्वनाथ विधान कल्याण मंदिर विधान कराया गया। बाकी आप शाम को भी कल्याण से पाठ होगा, उसके बाद इसी कार्यक्रम समाप्त होगा। आज श्री पार्श्वनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ शास्त्रीपुरम में आज पश्चिमपुरी में मस्तकाभिषेक श्री पार्श्वनाथ भगवान का पंडित राकेश शास्त्री द्वारा किया जाएगा। बड़े आनंद भक्तिपूर्वक संगीतमय के साथ विधान किया जाएगा। धन्यवाद। श्री पार्श्वनाथ विधान के दौरान मंदिर जी में मौजूद भक्तों ने भगवान के भजनों पर प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी राकेश जैन के सानिध्य में भगवान के जमकर भक्ति की। बता दें कि धार्मिक अनुष्ठान के दौरान श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सभी ट्रस्टी मौजूद रहे, जिन्होंने इस भव्य धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।